हे गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो। मैंने यहाँ पर तुमको सिखा रहे थे राधा कृष्ण का ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं, राधा के फेस पर किस तरह से शेडिंग करते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर मैंने श्री कृष्ण पर किस तरह से शेडिंग करते हैं फुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। अगर नहीं देखा है एक भी वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर जाके तुम अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो ये वाला वीडियो है ये एकदम लास्ट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर जो बाकी का पोर्शन है, मुकुट वगैरह, उसके बाद हेयर, जो कपड़ा वगैरह है वो, उसको मैं शेडिंग करके तुमको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर शेडिंग के लिए ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, बस बहुत ही सिंपल। अगर तुमको फेस पर आ गया शेडिंग करना तो जो ये वाला बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पर भी अच्छे से शेडिंग करना आ जाएगा। और हालांकि मैं यहाँ पर ज़्यादा इतना फोकस नहीं करूँगा, जो कि मेरा मेन फोकस है इसका, जो ये ड्राइंग है इसका मेन फोकस है फेस, ठीक है। जस्ट फेस वाला पोर्शन ही है, बाकी जो एडिशनल है बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर मैं इतना फोकस नहीं करूँगा। मतलब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग पर नहीं बनाऊँगा, जिस तरह से फेस पर हमने डिटेल से अच्छे से बनाया था यहाँ पर हम अच्छे से नहीं बनाएंगे। इसका एक रीज़न है, बहुत सारा तुम आर्टिस्ट को देखे होंगे कि जो ड्राइंग या फिर जो पेंटिंग करता है जो फेस वाला पोर्शन होता है बहुत ही बेहतरीन करके बनाता है। उसके बाद जो कपड़ा वगैरह होता है, बैकग्राउंड वगैरह होता है, मतलब ऐसे ऐसे आर्टिस्टिक स्टाइल पर मतलब करते हैं। और किसी किसी को लगता है कि वो अनफिनिश वर्क है, ऐसा अनफिनिश वर्क नहीं बोलते हैं, वो मतलब ऐसा करते हैं कि जो हमारा ऑडियंस है उसका मेन फोकस उसका सिर्फ पोर्ट्रेट पर करना चाहते हैं। वो लोग जो फेस है फेस पर वो फोकस करते हैं, इसलिए जो बैकग्राउंड वगैरह होता है या फिर कपड़ा वगैरह होता है वहाँ पर ज़्यादा इतना डिटेलिंग पर नहीं बनाएगा। अगर वहाँ पर भी वो अच्छे से डिटेलिंग में बनाते हैं मतलब उसका फोकस हर जगह जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर बस जो फोकस है, मैं ऑडियंस को बस जो फेस है वहाँ पर फोकस लाने की कोशिश करूँगा, इसलिए जो बैकग्राउंड वगैरह है उसके बाद जो बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। तो तुम कर सकते हो अच्छे से, जो रेफरेंस फ़ोटो है वो तो मैंने ऑलरेडी तुमको लोगों को दे चुका हूँ, तो रेफरेंस फ़ोटो को देख कर भी तुम अच्छे से डिटेलिंग पर बना सकते हो। फिर से मैं बोलूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पर भी बोला था कि भाई डिटेलिंग ज़्यादा मत करो, क्योंकि तुम अगर डिटेलिंग पर ज़्यादा जाओगे तुम्हारा ड्राइंग फिनिश नहीं होगा और मतलब तुम खुद बोर हो जाओगे एक ड्राइंग बनाकर। एक ड्राइंग अगर तुमको 2-3 दिन मतलब ज़्यादा दिन हो जाते तो कितना बोर लगेगा। मेरा तो 1 घंटा बनाने से मुझे बोर लग जाता है, तो इसलिए भाई डिटेलिंग ज़्यादा मत करो। अभी जब कोई मतलब कमीशन वर्क कर रहे हो वहाँ पर तुम डिटेलिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से तुम्हारा कुछ आएगा, तुम्हारा पेमेंट वगैरह कुछ आएगा। लेकिन ये अपने लिए जो ड्राइंग कर रहे हो वहाँ पर तो कुछ आने वाला तो है नहीं पैसा वगैरह, तो इसीलिए बस एज अ प्रैक्टिस अगर तुम कर रहे हो तो ज़्यादा इतना डिटेलिंग नहीं करने से भी होगा। ये बस मेरा एक मतलब थ्योरी है, बस मेरा थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही मतलब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेरे थ्योरी है। अगर तुम अप्लाई करना है अपने लाइफ पर तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मत करो, ये इतना कुछ है नहीं। तो खैर ज़्यादा इतना कुछ है नहीं यहाँ पर, शेडिंग हमारा तो अच्छे से कंप्लीट मैं यहाँ पर कर दूंगा। अच्छे से तुम देखो वीडियो को, ज़्यादा लंबा भी मैं ये वीडियो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा वीडियो तो मतलब बोर हो जाओगे तुम। तो इसी तरह से तुम जो राधा कृष्ण का ड्राइंग है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, इसको मिलाकर 4 वीडियो हो गया है। अगर एक भी नहीं देखे मेरे चैनल पर जाके देख लेना। और इस तरह का ड्राइंग वीडियो तुम देखना पसंद करते हो तो जो मेरा चैनल है उसको तुम सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह का ड्राइंग वीडियो अपलोड करता हूँ। सीखना पसंद है फ्री पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये वाला ड्राइंग अगर तुम करो तो मैक्सिमम इसका तुम टाइम दो 3 दिन, ठीक है, 3 दिन ट्राई करो। 1 दिन पर तुम आउटलाइन बनाओ, जो दूसरा दिन है राधा के फेस पर शेडिंग करो, जो तीसरा दिन है श्री कृष्ण के फेस पर शेडिंग करो, और बाकी जो डिटेलिंग वगैरह है वहाँ पर कर दो। मैक्सिमम तुम 3 दिन ये तुम ले सकते हो अगर तुम एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो। तो खैर इसी तरह से जो हमारा राधा कृष्ण का ड्राइंग है बहुत ही आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो तुमको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन पे जाके बोलना वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।